साथियों, हमारे यहां दशकों तक सरकारी व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया है, उस वजह से सरकारी शब्द आते ही लोगों के मन में आता था खराब क्वालिटी, काम में बरसों की देरी, बेवजह रुकावटें, जनता के पैसे का अपमान। मैं अपमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टैक्स के रूप में देश की जनता सरकार को देती है, उस पैसे का इस्तेमाल करते समय सरकारों में ये भावना ही नहीं होती थी कि एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। हर एक को लगता है अरे यार ऐसे ही चल रहा है, चलने दो, चलता है क्या है। देशवासी भी अभ्यस्त हो गए थे कि देश ऐसे ही चलेगा। वो परेशान होते थे, दूसरे देशों की प्रगति देख उदास होते थे और इस भावना से भर गए थे कि कुछ बदल नहीं सकता। जैसा अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे, हर जगह नजर आता था वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन वो काम कभी पूरा होगा भी या नहीं, समय पर पूरा होगा या नहीं, ये लेकर कोई विश्वास जनता के मन में नहीं था। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता? प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का मंत्र है विल फॉर प्रोग्रेस, वर्क फॉर प्रोग्रेस, वेल्थ फॉर प्रोग्रेस, प्लान फॉर प्रोग्रेस, प्रेफरेंस फॉर प्रोग्रेस। हमने ना सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो।